Good morning, today is 23rd of June 2018 and we are going to discuss the articles of the Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहां पर प्रेस फ्रीडम के बारे में है. डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. नीचे ये आर्टिकल मैसेडोनिया और ग्रीस के बीच पिछले 27 सालों से जो डिस्प्यूट चली आ रही थी उस डिस्प्यूट को सोल्व करने को लेकर अब दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है. जानेंगे डिस्प्यूट है क्या, डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. बीच में ये बड़ा आर्टिकल आज फिर से मॉब लिंचिंग के बारे में है. कल हमने मॉब लिंचिंग के इशू को डिस्कस किया था. पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है. बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आइडियोलॉजी, रिलीजन, इन सब चीजों पे फोकस किया गया है. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. नीचे ये आर्टिकल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया है, वो वापस यूएस जाएंगे. पिछले 4-5 सालों में जो मेन कंसेप्ट दिए गए हैं अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो अच्छे थे सरकार को जिन्होंने अडॉप्ट किया और कौन से ऐसे कंसेप्ट जिनको सरकार ने इग्नोर किया, डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे. यहां पर ग्राउंड जीरो है, हर सैटरडे को आता है. इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं होती, रीजनल और फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, नहीं डिस्कस करेंगे. आज का कोट है विंसटन चर्चिल का. विंसटन चर्चिल ने कहा था, एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस. देखो, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर आपका बस नहीं चलता, लेकिन वो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी आपके जीवन में वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है. तो एटीट्यूड का जीवन में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा सकता है अच्छा एटीट्यूड. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद सुब्रमण्यम के कार्यकाल के बारे में है. इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, यानी शुरुआत में इनका कार्यकाल 3 साल का था. इन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद 2 साल का इनको एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन 2 साल के एक्सटेंशन को कंप्लीट करने से पहले ही इन्होंने रिजाइन किया पर्सनल रीजंस की वजह से और ये फिर से यूएसए में जाएंगे. तो अब इस आर्टिकल में इनकी रिकमेंडेशंस को एनालाइज किया जा रहा है. पिछले 4 सालों में इकोनॉमिक सर्वेज में जो इन्होंने मेजर रिकमेंडेशंस दी सरकार के द्वारा, क्या उन रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया गया या नहीं, इस आर्टिकल में हम एनालाइज करेंगे. देखो, राइटर के द्वारा ये बोला जाता है कि शुरुआत में तो इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें कही गई थी अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, उन बातों को सरकार ने सीरियस लिया. जैसे जैम का कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था. अरविंद सुब्रमण्यम ने इकोनॉमिक सर्वे में जैम का कंसेप्ट दिया था, जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी. इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं. देखो, सरकार के द्वारा 2014 से पहले बहुत सी स्कीम्स चलाई जा रही थी सब्सिडी देने के लिए, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए गरीब जनता को, लेकिन वो सारी स्कीम्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थी, इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा थी उन स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में, लीकेजेस बहुत ज़्यादा थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था. तो अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि देखो, मोबाइल का जो कवरेज है, मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बढ़ रही है. आधार कार्ड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार अभी तक आधार कार्ड के पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाई है. इसलिए सरकार फोकस करे कि जिन लोगों ने अभी आधार कार्ड नहीं बनवाया है उनका जल्द से जल्द आधार कार्ड बनाया जाए. और तीसरे नंबर पे जनधन. आजादी के इतने वर्ष बाद भी एक बड़ा वर्ग ऐसा जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, लेकिन सरकार ने जनधन योजना चलाई और फोकस किया गया कि गरीब लोग बैंक अकाउंट खुलवाए और करोड़ों में बैंक अकाउंट ओपन किए गए जनधन योजना के अंतर्गत. तो देखो, इन तीन चीजों को कंबाइन कीजिए. इन तीन चीजों से क्या हुआ, जो स्कीम्स सरकार चला रही थी उनमें एफिशिएंसी आ गई, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगा, आधार कार्ड की सहायता से बेनिफिशियरीज की पहचान अच्छे से होने लगी, और पीडीएस में आपने देखा होगा कि अनाज प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा. और बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल तो तभी होगा ना जब आधार कार्ड बना होगा. और इवन सीधा जो सब्सिडी का पैसा था वो बैंक अकाउंट में जाने लगा. अगर देखो, जनधन स्कीम ना चलाई होती तो कैसे गरीब लोगों के पास जो सब्सिडीज का पैसा है वो डायरेक्ट खातों में जाता. और मोबाइल कनेक्टिविटी की इसलिए आवश्यकता थी, इसलिए यूज किया गया फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए. तो ये तो तीन चीजों ने मिलकर जो काम किया वो काफी अच्छा था, सरकार को बहुत सारा फायदा हुआ. जो पहले करप्शन होता था बहुत हद तक करप्शन कम हो गया, और जो पैसा सरकार बचा सकी उसको सरकार ने इस्तेमाल किया दूसरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए. तो ये जैम का जो कंसेप्ट दिया गया था वो अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा ही दिया गया था और जिसे सरकार के द्वारा अडॉप्ट भी किया गया. अब देखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे फोकस किया गया अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, वो तो सिंपल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है
उसे सुधारने की आवश्यकता है, तभी इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे देश में। ऑलरेडी वैसे सरकारें फोकस कर रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, लेकिन एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ करंट गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया और हमारी रैंकिंग आज के समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। लेकिन तीसरा कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चक्रव्यूह चैलेंज। क्या है ये चक्रव्यूह चैलेंज? बेसिक्स बताता हूं। शायद 2015 के इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा यह कंसेप्ट दिया गया था, चक्रव्यूह चैलेंज। देखो, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 के बाद से, शुरुआत में तो फोकस किया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, यानी कि बाहर से कोई चीज इंपोर्ट ना करनी पड़े, ये गवर्नमेंट की कोशिश थी। यानी सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि नया नया हमारी और आज़ादी मिली थी तो हमें डर लगता था कि बाहर से हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते रहें और किसी देश के मोहताज ना हो जाएं। इसी वजह से नेहरू की पॉलिसी ये थी, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसे बाहर से इंपोर्ट ना किया जाए, हमारे देश में ही उस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए। और शुरुआत में सरकार ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनाई। ऑलमोस्ट जो सभी डोमेन्स थे उन पर सरकार का कब्जा था, यानी सरकार उन इंडस्ट्रीज को चलाती थी और थोड़े बहुत जो डोमेन प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए रखे गए उनके लिए भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। लेकिन देखो, जैसे जैसे समय बीतता है सरकार ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, सरकार ने अपनी इकोनॉमीज को लिबरल बनाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट फोर्सेस में बहुत ज्यादा फोकस किया गया। यानी सरकार अब चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई इंडिया में आए। पहले जिन इंडस्ट्रीज पर सिर्फ सरकार का कब्जा था बाद में उन्हें ओपन कर दिया गया प्राइवेट कंपनीज के लिए भी, और कुछ सरकारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया गया। तो मकसद था जैसे मैंने आपको बताया, और आज भी वही मकसद है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम देख लीजिए, स्टार्टअप स्टैंडअप, इन सभी प्रोग्राम्स का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो हमारे देश में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सरकार सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने पर फोकस कर रही है, लेकिन एक बार इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाती हैं उसके बाद देखो कई सारे बिजनेस चल पाते हैं लेकिन कई सारे बिजनेस नहीं भी चल पाते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, वो एस्टैब्लिश हुई, 2 साल तक ये एबीसी कंपनी चलती है, लेकिन बाद में घाटा सहते सहते ये एबीसी कंपनी अब इस कगार पे आ गई है कि बंद होने वाली है। लेकिन हमारे देश में सिस्टम ये था कि इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना तो आसान था, लेकिन बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करना, यानी अगर घाटा हो गया तो बोरियां बिस्तर समेट के वापस जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसी को कहते हैं चक्रव्यूह चैलेंज, यानी आ तो जाना। फिल्मों में आपने वो डायलॉग सुना होगा कि आप इस धंधे में आ तो सकते हो लेकिन वापस नहीं जा सकते, उसी प्रकार का कुछ सिस्टम इंडिया में देखने को मिल रहा था। एक बार कोई कंपनी स्टार्ट हो गई लेकिन बाद में घाटा हो रहा है, उसको बंद करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो देखो, अच्छी बिजनेस की रणनीति तो यही होती है ना, एक बार आपको रियलाइज हो जाए कि आपको घाटा हो रहा है तो आप जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेटिए ताकि और ज्यादा घाटा ना हो, और रिसोर्सिस को दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए ताकि कम से कम दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने में वहां तो फायदा हो। अदरवाइज तो जिस बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, फिर भी आप उस बिजनेस को बंद नहीं कर पा रहे हो तो ये तो टोटली रिसोर्सिस की वेस्टेज है। तो इसलिए अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा ये जो चक्रव्यूह चैलेंज है ना, इसे एड्रेस करना होगा। तो सरकार ने 2016 में एक कोड बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ताकि जो बिजनेस घाटे में चल रहे हैं वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करके, डिफॉल्ट घोषित करके, जो भी उनको पैसा मिलेगा उससे वो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, दूसरी जगह रिसोर्सेज को एलोकेट करें ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे बढ़े। तो ये काफी अच्छी रिकमेंडेशंस दी गई थी अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा और सरकार ने इस रिकमेंडेशन को भी अडॉप्ट किया। लेकिन बाकी की जो रिकमेंडेशंस हैं, जैसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? पिछले कुछ समय में जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो खराब है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन कई सारे कॉरपोरेट ग्रुप्स उन्होंने भी बैंक से जो लोन लिया था वो भी बैंक्स के लोन को चुका नहीं पा रहे हैं। उन केसेस को छोड़ दीजिए, माल्या जैसे केसेस को जिन्होंने जानबूझ के डिफॉल्ट किया, यानी वो जानबूझ के बैंकों का पैसा नहीं लुटा रही हैं। काफी सारे जेन्युइन केसेस भी हैं, काफी सारी जेन्युइन कंपनीज भी हैं जिन्होंने पैसा लिया था और उनकी इंटेंशंस भी हैं कि बैंकों को पैसा लुटाया जाए, लेकिन उनकी सिचुएशन फिलहाल ऐसी है कि वो बैंकों का लोन नहीं चुका पा रहे हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, नया बिजनेस भी इस्टाब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखो ये सब नहीं होगा तो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी हमारे देश में, कैसे हमारे देश की जीडीपी आगे जाएगी? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टील कंपनीज का।
2008 में रिसेशन आया, उससे पहले स्टील कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, उन्होंने बहुत बहुत लोन भी ले लिया था बैंक से, और बैंक्स को भी यही लगता था कि देखो ये तो मुनाफे में चल रही हैं और आगे इनको मुनाफा होगा तो ये लोन आसानी से चुका देंगी। लेकिन 2008 के बाद से स्टील कंपनीज अभी तक घाटे से उभर नहीं पाई हैं, तो ये एक एग्जाम्पल आप कह सकते हो, केस स्टडी आप कह सकते हो। तो अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा एक सॉल्यूशन दिया गया था ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बैड बैंक। हमने काफी बार डिस्कस किया है बैड बैंक को, एक लाइन में बोलूं बैड बैंक का काम क्या होगा, सरकारी बैंकों का जो एनपीए है वो एनपीए सरकारी बैंक बेच देंगे बैड बैंक को। बैड बैंक अब उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में से जितने भी वैल्यू निकाल सकेगा वो निकालेगा और बैंक की बैलेंस शीट जो है वो अच्छी हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट का एनवायरमेंट इससे अच्छा होगा। तो ये सॉल्यूशन दिया गया था अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, लेकिन सरकार ने अरविंद सुब्रमण्यम के बैड बैंक के सॉल्यूशन को नहीं माना। अब दोबारा से फिर से सुर्खियों में आया है, हमने डिस्कस किया था, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुछ समय के लिए पीयूष गोयल, उन्होंने फिर से कहा कि बैड बैंक पे सरकार विचार कर रही है, लेकिन पहले सरकार कह चुकी थी कि हमारा कोई आइडिया या फिर कोई प्लान नहीं है अभी बैड बैंक इस्टैब्लिश करने का। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि देखो सरकार बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स चला रही है अभी भी, हालांकि जैम से यानी जनधन आधार और मोबाइल से एफिशिएंसीज जरूर आई हैं, लीकेजेस जरूर कम हुई हैं, लेकिन अभी भी सरकार अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करती है इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में और स्कीम्स की अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाती। तो क्यों ना एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट लाया जाए, हमारे देश में सभी लोगों को जो भी अडल्ट हैं उनको सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसे दे, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 2,000, 3,000 कुछ भी हो सकता है, मतलब वो काम करें या ना करें हर महीने उनको इतना पैसा तो मिलेगा सरकार की तरफ से, तो सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा। यानी देखो एक तो कुछ हद तक इक्वालिटी आएगी, मतलब अमीर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा या फिर दूसरे सोर्सेज से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी सरकार और गरीब लोगों में इस प्रकार से बांटेगी पैसा, तो बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स सरकार को चलानी पड़ती है वो स्कीम्स सरकार को नहीं चलानी पड़ेगी और लोग अपने हिसाब से पैसा खर्च कर सकेंगे। एक महीने में 3,000 रुपये मिल गए तो अपने हिसाब से जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। हालांकि देखो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं इस कंसेप्ट के, बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। पिछले साल हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे, लेकिन यहाँ पे एसेंस ये है अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा ये जो आइडिया दिया गया था सरकार ने इस आइडिया को सिरे से इनकार कर दिया। उसके बाद लास्ट में बात आती है डीमोनेटाइजेशन की। डीमोनेटाइजेशन को काफी अच्छे से एनालाइज किया पिछले साल अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन फिर भी जो टोन थी अरविंद सुब्रमण्यम की वो काफी ज्यादा सॉफ्ट थी। हो सकता है कि सरकार के द्वारा उन्हें हिदायत दी गई हो कि आप डीमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, तो इस पर भी सॉफ्ट रहे अरविंद सुब्रमण्यम, आमतौर पर काफी अच्छे से एनालिसिस करते हैं। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बारे में अरविंद सुब्रमण्यम ने जो मेन बात बोली वो ये है कि लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि डीमोनेटाइजेशन का फायदा क्या है, शॉर्ट टर्म में डीमोनेटाइजेशन के फायदे के नुकसान को नहीं देखा जा सकता। तो कुल मिलाकर राइटर यही कहते हैं कि ज्यादातर रिकमेंडेशंस जो थी अरविंद सुब्रमण्यम की उनको सरकार ने नहीं माना। आप हेडिंग भी देख सकते हो, आर्टिकल की हेडिंग यही है, एन एडवाइजर विद नो बॉडी टू एडवाइज। लास्ट में तो एक बात यही बोली जाती है कि अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वेस प्रिपेयर किए गए काफी अच्छे थे, काफी इनोवेटिव आइडियाज इन्होंने दिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ग्रीस एंड मैसेडोनिया के बीच डिस्प्यूट के बारे में है। आपकी स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप है, ये यूरोप है और यूरोप के इस हिस्से पर हम फोकस करने जा रहे हैं अभी, ध्यान से देख लीजिए। 1991 से पहले यूरोप के इस हिस्से में एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, लेकिन यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी यूगोस्लाविया के कई सारे टुकड़े हो गए और विभिन्न देश बन गए, जैसे यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन कई सारे देशों में डिवाइड हो गया था, उसी प्रकार यूगोस्लाविया भी कई सारे देशों में डिवाइड हो गया। कौन कौन से देश मने यूगोस्लाविया से अलग हो गए, यहाँ पर देखिए, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटीनिग्रो, मैसेडोनिया और नीचे है ग्रीस, और ग्रीस और मैसेडोनिया के बीच डिस्प्यूट को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस आर्टिकल में। हुआ क्या था, यूगोस्लाविया के टूटने के बाद मैसेडोनिया बनता है 1991 में, यानी 1991 में। आप देखो मैसेडोनिया जब अलग से देश बना, नाम रखा गया द रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, लेकिन ग्रीस को इस नाम से दिक्कत थी क्योंकि ग्रीस के नॉर्थ में एक राज्य है, राज्य का नाम भी मैसेडोनिया है,
तो ग्रीस ने मैसेडोनिया को कहा कि देखो आप अपना नाम रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया मत रखिए, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी नॉर्थ में एक राज्य है जिसका नाम भी मैसेडोनिया है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्प्यूट में वो ये था, सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, सिकंदर ने काफी वर्ल्ड का एरिया जीत लिया था, तो सिकंदर यहीं के थे, ग्रीस के थे। अब देखो आप ध्यान से सुनिएगा, सिकंदर तो ग्रीस से थे और सिकंदर से जुड़ी जो सिविलाइजेशन है उस पर भी ग्रीस के अनुसार हमारा हक है, लेकिन मैसेडोनिया के द्वारा कोशिश की गई कि कैसे ना कैसे करके मैसेडोनिया को सिकंदर से रिलेट करके दिखाया जाए वर्ल्ड को। 2004 में एक एयरपोर्ट का नाम रखा गया मैसेडोनिया के द्वारा सिकंदर के नाम पर। वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति भी इस्टेब्लिश की गई सिकंदर के फादर की, और एक मोटरवे का नाम भी सिकंदर के ऊपर रखा गया। तो इन सब बातों से ग्रीस बहुत ज्यादा नाराज था। ग्रीस का कहना था कि देखो सिकंदर तो हमारे देश से जुड़ा है, आप सिकंदर की लिगेसी को क्यों अपने से रिलेट करके दिखा रहे हो, इससे वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को भ्रम होगा और ये सही बात नहीं है। तो इस बात को लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो अब देखो मैसेडोनिया बन गया था 1991 में, उसके बाद से ही मैसेडोनिया के द्वारा कोशिश की जा रही है नाटो में शामिल होने की, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की, लेकिन जब भी मैसेडोनिया एप्लीकेशन देता है नाटो या फिर यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए, वीटो का यूज किया जाता है ग्रीस के द्वारा। यानी ग्रीस मैसेडोनिया को नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होने दे रहा है। ग्रीस कहता है पहले आप अपना नाम चेंज कीजिए, और सिकंदर की लिगेसी को आप इनकैश करने की कोशिश कर रहे हो ये सब आप छोड़िए, क्योंकि सिकंदर हमसे जुड़ा था, सिकंदर की जो लिगेसी है उस पर हमारा हक है। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कोशिश की जाती है विभिन्न जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी लिगेसी को इनहेरिट करने की, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, कोशिश की जाती है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि हमने ज्यादा उनको सम्मान दिया। इस प्रकार से ग्रीस भी यूं कह रहा है कि सिकंदर पर हमारा हक है, क्योंकि वो यहीं से थे, यहीं से उन्होंने 3rd century BC से स्टार्ट की और दुनिया के एक बहुत बड़े एरिया को जीता था। और अभी क्या हुआ है, 27 साल के बाद इस महीने एक एग्रीमेंट साइन हुआ दो देशों के बीच, मैसेडोनिया और ग्रीस के बीच। मैसेडोनिया मान गया है, मैसेडोनिया कहता है हम हमारा नाम चेंज करेंगे। अभी मैसेडोनिया का नाम क्या है, द रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, लेकिन नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, यानी नॉर्थ वर्ल्ड बीच में आ जाएगा और लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नॉर्थ में एक अलग से देश है द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, और ग्रीस के अंदर नॉर्थ में एक राज्य है मैसेडोनिया। इसके अलावा मैसेडोनिया इस बात पर भी राजी हो गया कि 2004 में जिस एयरपोर्ट का नाम रखा गया था अलेक्जेंडर के ऊपर, उसका नाम फिर से चेंज किया जाएगा और अलेक्जेंडर के ऊपर नाम नहीं रखा जाएगा उस एयरपोर्ट का। यानी ग्रीस ही असली वारिस होगा अलेक्जेंडर की लिगेसी का, बदले में ग्रीस अब रोड़ा नहीं अटकाएगा, यानी मैसेडोनिया को मेंबरशिप जो है यूरोपियन यूनियन की और नाटो की लेने देगा, वीटो का यूज नहीं करेगा ग्रीस। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ग्रीस और मैसेडोनिया के बीच जो डिस्प्यूट है वो अब सॉल्व होने की कगार पे है। हालांकि अभी भी जो मैसेडोनिया है उनको प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होगी, रेफरेंडम करवाना होगा, और ग्रीस को पार्लियामेंट से पास करवाना होगा जो एग्रीमेंट हुआ है दो देशों के बीच साइन। लेकिन उम्मीद यही है ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा और फाइनली दो देशों के बीच पिछले 27 साल से चला आ रहा डिस्प्यूट अब विराम प्राप्त करेगा। तो ये था आर्टिकल, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल प्रेस फ्रीडम के बारे में है, क्या कंटेस्ट है, तमिलनाडु में एक न्यूज चैनल है, नाम है पुठिया थलाईमुरई। इस न्यूज चैनल के द्वारा एक डिबेट ऑर्गेनाइज करवाई गई, ये स्क्रीन पे आप जो डिबेट देख रहे हो इसी डिबेट की बात हम कर रहे हैं। इस डिबेट में दो पक्षों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है और 20 मिनट तक प्रोग्राम रुक जाता है, लेकिन फिर से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और खत्म होता है। लेकिन उसके बाद एक FIR लॉन्च करवाई जाती है न्यूज चैनल के मालिक के अगेंस्ट और एडिटोरियल ग्रुप के अगेंस्ट। FIR लॉन्च की गई सेक्शन 153A के अंतर्गत। 153A है क्या, जब देखो किसी पर्सन के द्वारा दो ग्रुप्स या कमिटीज के बीच एनमिटीज या शत्रुता फैलाई जाती है तब उस पर्सन के अगेंस्ट IPC सेक्शन 153A के अंतर्गत FIR लॉन्च की जाती है। लेकिन ये जो केस है पुलिस के द्वारा जो FIR लॉन्च की गई है ये गलत है,
क्योंकि कोई गलती नहीं थी एडिटोरियल ग्रुप की इस डिस्कशन में, और न्यूज चैनल के जो मालिक हैं उनकी तो दूर दूर तक गलती नहीं थी, क्योंकि ना तो वो इस डिबेट में शामिल थे, और इंडिविजुअल जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एडिटोरियल ग्रुप के द्वारा लिए जाते हैं। और मालिक का ये कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस डिबेट में, और मैं दूर दूर तक एडिटोरियल ग्रुप के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता। और बाद में सरकार के द्वारा क्या किया गया, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो स्टेट का केबल टेलीविजन नेटवर्क है उस नेटवर्क में इस न्यूज चैनल को 120 से रिप्लेस करके 499 तक पहुंचा दिया गया, यानी बहुत सारे लोग अब इस न्यूज चैनल को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो आज के आर्टिकल में द हिंदू ये कहता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और जल्द से जल्द जो FIR लॉन्च की गई है एडिटोरियल ग्रुप और न्यूज चैनल के मालिक के ऊपर वो FIR हटानी चाहिए, यानी रद्द करनी चाहिए। देखो आर्टिकल में तो कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, लेकिन प्रेस फ्रीडम से संबंधित हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो स्थान है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ज्यादा पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि पत्रकार अगर कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं तो उनके खिलाफ डिफेमेशन से संबंधित केस दर्ज करवा दिए जाते हैं, काफी बार जर्नलिस्ट की हत्या भी कर दी जाती है, जैसे गौरी लंकेश, शांतनु भौमिक, फेमस जर्नलिस्ट जिनकी पिछले कुछ समय में हत्याएं हुई हैं। इसके अलावा जर्नलिस्टों पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है सरकार की तरफ से, इवन ओपोजिशन की पार्टीज की तरफ से, कि वो एक निश्चित स्टैंड लें। और देखो कुछ जो पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव साइड में भी हैं, काफ़ी बार जो ये पत्रकार होते हैं वो भी अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं, पेड न्यूज़ यानी पैसा लेके न्यूज़ पब्लिश करते हैं। और आजकल के जो न्यूज चैनल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं पॉलिटिशियंस का या फिर बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स की बड़ी हिस्सेदारी है इन न्यूज चैनल्स में। तो न्यूज चैनल्स में जब पॉलिटिशियंस की और बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स की हिस्सेदारी होती है तो इंडिपेंडेंट रूप से वो न्यूज चैनल्स काम नहीं कर पाते। आज देख लीजिए कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो सरकार की तरफ बोलते हैं, और कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे भी हैं जो हमेशा सरकार की बुराई करते हैं और अपोजिशन पार्टीज की तरफ से बोलते हैं। लेकिन न्यूज चैनल का काम यह होना चाहिए कि जो अच्छा है आप उसको अच्छा कहो और जो गलत है आप उसको गलत कहो, यानी क्लियरली बोलो और इंडिपेंडेंट रूप से काम करो। ना तो आप हमेशा सरकार की तरफ बोलो और ना ही आप हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करो, जो सरकार की अच्छी पॉलिसीज हैं उनको भी इंडिपेंडेंट रूप से न्यूज चैनल्स को एनालाइज करना चाहिए। देखो किसी भी देश की डेमोक्रेसी में प्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर देखो डेमोक्रेसी व्हीकल है तो प्रेस उस व्हीकल के व्हील्स हैं, यानी पहिए हैं। पहियों को आप निकाल दोगे तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, यानी व्हीकल नहीं चलेगा। अगर प्रेस इंडिपेंडेंट रूप से काम करेगा तभी उस देश की जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन आजकल जो प्रेस की क्वालिटी है वो भी काफी डिग्रेड हो रही है। सेलिब्रिटीज की लाइफ में ज्यादा ताक झांक की जाती है प्रेस के द्वारा, लेकिन सरकार की पॉलिसीज को एनालाइज करना कि किस प्रकार से फायदे हो रहे हैं, किस प्रकार से नुकसान हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या है, किस प्रकार से जो गरीबी है वो दूर हो रही है या फिर गरीबी बढ़ रही है, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रेस को। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, मेनली 3 आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा पिछले 3-4 सालों में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, किन कॉन्सेप्ट्स को सरकार ने अडॉप्ट किया और किन कॉन्सेप्ट्स को सरकार ने अडॉप्ट नहीं किया और इग्नोर किया। उसके बाद ग्रीस और मैसेडोनिया के बीच पिछले 27 साल से जो डिस्प्यूट चली आ रही थी उसको सोल्व करने को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है इस महीने। हालांकि अभी ग्रीस को अपने पार्लियामेंट से उस एग्रीमेंट को पास करवाना होगा और मैसेडोनिया में रेफरेंडम होगा, लेकिन उम्मीद यह है कि दो देशों के बीच जो विवाद चल रहा था वो अब थमेगा। और तीसरे नंबर पे हमने प्रेस फ्रीडम से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।